आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2017 का एनालिसिस। यानी आज हम एग्जाम एनालिसिस करने वाले हैं और पूरे एग्जाम का हम एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, इससे पहले मैं मैथ का कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो यूपीएसआई की प्लेलिस्ट में जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। उससे पहले मैं मूल विधि का भी एनालिसिस कर चुका हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी में कितने प्रश्न कहां से आए और आपको किस तरह से उनको डिवाइड करके पढ़ना चाहिए जिससे आप 40 में से मैक्सिमम स्कोर कर सकें, 40 में से 38 या 40 तक भी स्कोर कर सकें। तो चलिए, तो देखो जैसे मैंने पूरा का पूरा बोर्ड पे सिस्टम लिख रखा है कि कहां से कैसे प्रश्न आए। ऊपर देखो लिखा हुआ है यूपीएसआई एग्जाम एनालिसिस हिंदी का है, तो एक तरफ तो मैंने प्रकरण लिख दिया है कि मतलब टॉपिक है, जब हिंदी की बात हो रही है तो पूरी हिंदी में ही बात होनी चाहिए। एक तरफ मैंने प्रकरण लिख दिया है, दूसरी बात है कितने अंक आए, कितने कितने क्वेश्चन आए। अगर आप इस स्ट्रेटजी को पाठशाला के द्वारा जो जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं, जो जो पढ़ाई जाएंगी हिंदी में स्पेशली, चाहे वो साहित्य हो चाहे वो व्याकरण हो, तो आपको क्या करना है, अगर आप उनको ठीक से पढ़ लेते हैं और इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं एग्जाम में। तो इसमें देखो एक तरफ प्रकरण लिखा है, एक अंक लिखा है। अब इसको मैंने चार भागों में बांट दिया है, एनालिसिस भी चार भागों में किए, स्ट्रेटजी भी चार भागों में, साथ में बुक लिस्ट भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चार भाग, पहला भाग है कि याद करने वाला, जो आपको केवल याद करना है, उसमें कोई खास मदद कोई भी नहीं कर पाएगा, कुछ टिपिकल सी चीजें होंगी तो मैं उनको वीडियो बना के बता दूंगा जैसे भी समझाऊंगा। दूसरा है साहित्य भाग, ठीक है, साहित्य टोटल रचनाकार और रचनाएं, कवि कविताएं, ये सब। तीसरा भाग है बोध गम्यता वाला भाग, है ना, जिसमें आप अंडरस्टैंड करते हो हिंदी को, ठीक है वो। और चौथा है व्याकरण का भाग, जो पूरा का पूरा ग्रामर डिपेंड है, ये सब चीजें। तो हम एक एक करके शुरू करते हैं। देखो याद करने वाले भाग में मैंने पांच प्रकरणों को रखा है, पांच भागों को रखा है, इसमें उपसर्ग प्रत्यय है, तत्सम तद्भव है, पर्यायवाची विलोम है, मुहावरे और लोकोक्ति है, और वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो अब देखो उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग से रिलेटेड वीडियो मैंने बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको इधर आई बटन में दे दूंगा, वो वीडियो बहुत अच्छी है, अगर आपने एक बार देख ली तो आपको कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से प्रत्यय की भी वीडियो मैं बना दूंगा, आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो उपसर्ग और प्रत्यय से लास्ट टाइम एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न आए थे, 2 से 3 प्रश्न देखे गए थे। ये ओवरऑल शिफ्ट की बात हो रही है, इसमें अगर आप टोटल करने बैठ जाओ कि 40 से ज्यादा हो रहा है, ये क्या है, एक एनालिसिस है कि इतने से इतने प्रश्न आए थे। तो अब आपको देखो समझो क्या हुआ, उपसर्ग और प्रत्यय से 2 से 3 प्रश्न आए थे, तत्सम और तद्भव से भी 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे, पर्यायवाची, पर्यायवाची का मतलब है कि जैसे कि जल है, जल को अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, नीर अंबु तोय इस तरह से बोला जाता है, तो ये पर्यायवाची शब्द होते हैं। और विलोम क्या होते हैं, ये सब चीजें आपको पता ही होंगी, विलोम जैसे दिन का उल्टा रात है ना, सुख का उल्टा दुख है ना, तो इस तरह से ये विलोम शब्द होते हैं, इनसे 1 से 2 प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद मुहावरे और लोकोक्तियां, इडियम्स एंड फ्रेजेस, इनसे क्वेश्चन पूछे गए थे आपके 3 से 4। आप ये देख के भी समझ सकते हैं कि आपको कहां पे फोकस करना है। देखो अगर मैक्सिमम मार्क्स लाने, हिंदी इतना इजी एरिया है, अगर साहित्य को साइड कर दिया जाए, हिंदी इतना इजी एरिया है कि आप इसमें मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आप सेक्शनल वाली कट ऑफ एसआई के एग्जाम में पार कर जाएंगे, जो 2021 में नोटिफिकेशन जारी होगा, उस भर्ती में यदि आप सेक्शन कट ऑफ पार कर जाते हैं और कोई भी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसमें आप स्कोर कर जाते हैं, तो आपका सिलेक्शन की संभावना पूरी पूरी हो जाती है, आपको कोई आउट कर ही नहीं सकता है। तो अपने स्कोरिंग पार्ट को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द से 1 के आसपास प्रश्न पूछा गया था, किसी शिफ्ट में पूछा गया था, किसी में नहीं पूछा गया था। वाक्यांश के लिए एक शब्द का मतलब है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंग्लिश में बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और जैसे कि जो कभी अमर है ना अमर, है ना, जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु, तो पूरा वाक्यांश है उसके लिए एक शब्द आ गया। तो यहां से एक प्रश्न पूछा गया था। तो आपको ये काम क्या कर देना है, अब पहले मैं बता देता हूँ स्ट्रेटजी, फिर बाद में बताऊंगा। उसके बाद साहित्य वाला जो भाग है, जिसमें साहित्य का इतिहास है, काल विभाग है, आदिकाल है, भक्तिकाल है, रीतिकाल है, आधुनिक काल है, उसमें भी फिर सब डिविजन्स हैं, उसमें भी उपवर्गीकरण वर्गीकृत किया गया है उनको। तो साहित्य से क्वेश्चन आए थे 2 से 3, 2 से 3 क्वेश्चन लास्ट टाइम आए थे। अब देखेंगे कि कैसे, मतलब अब कितने आ सकते हैं। उसके बाद जो बोधगम्यता वाला भाग है, कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट है, उसमें गद्यांश पूछा गया था, अनसीन पैसेज जिसको आप बोल देते हैं, कि पूरा एक गद्यांश आ जाएगा फिर क्वेश्चन मिलेंगे, तो उन क्वेश्चनों को आपको गद्यांश के बेस पे आंसर करना पड़ेगा। तो 4 से 5 प्रश्न पूछे गए थे, किसी के पास गद्यांश ऐसा था उसमें 4 प्रश्न थे, किसी के पास गद्यांश ऐसा था उसमें 5 प्रश्न थे। और उसके बाद वाक्य क्रम स्थापन, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंसेस,
अरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंसेस, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, ये मतलब एक पूरा का पूरा वाक्य है वो टुकड़ों में इधर उधर लगा हुआ है, टुकड़ों में इधर उधर लगा हुआ है, तो उसको आपको जोड़ना है। अब किसी किसी के पास क्या आ गया था, किसी के पास तो वाक्य क्रम स्थापन आ गया था, और किसी के पास इसी में क्या आ गया था भैया, जो शुद्धि होती है, मैं यहां पे लिख देता हूं, जो वाक्य शुद्धि होती है वो इनकी जगह पूछ लिया गया था, वाक्य शुद्धि कि अशुद्धि शुद्धि उसमें ढूंढो आप, तो वो भी इसी में ही टॉपिक पूछ लिया गया था, किसी से वाक्य क्रम स्थापन पूछा गया था, किसी से वाक्य शुद्धि वाला टॉपिक पूछा गया था, तो बोधगम्यता वाला पार्ट ये हुआ, तीन पार्ट ये हुए, तो इससे वाक्य शुद्धि या वाक्य क्रम स्थापन से दो से तीन प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद अब व्याकरण वाला भाग आता है, देखो मैंने लंबा लिख दिया, थोड़ा स्पेस की कमी है तो इसलिए लिख दिया यहाँ पे। अब संधि, संधि से एक से दो प्रश्न पूछे गए थे, समास से दो से तीन प्रश्न पूछे गए थे, रस और छंद से, रस से कितने पूछे गए, एक से दो प्रश्न, छंद से भी पूछे गए एक से दो प्रश्न, और जो अलंकार है अलंकार से पूछे गए दो से तीन प्रश्न। अब देखो संज्ञा सर्वनाम विशेषण, संज्ञा होती है नाउन, सर्वनाम होता है परनाम प्रोनाउन, विशेषण होता है एडजेक्टिव, ये देखो ये लिंग, ये वचन, ये कारक है ना, लिंग वचन कारक, तो इन सबको एक साथ देखा जाए तो 10 से 12 प्रश्न यहां पे पूछे गए थे। तो ये चार भाग हैं, आपको भी इसी तरह चार भागों में डिवाइड कर लेना है और याद करने वाला काम शुरू कर देना अभी से। जैसे उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग को उठाओ, एक वीडियो देख लो आप, पढ़ लो, साथ में बुक है, बुक भी बताने वाला हूं कौन सी बुक को आप प्रेफर करें, तो उपसर्ग है, उपसर्ग से उठा के खत्म कर दो। उसके बाद तत्सम शब्द हैं, तद्भव शब्द हैं, तो उनको एक बार उठा के बार बार रिवाइज करते रहो। उसके बाद ऐसे पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, लोकोक्ति, मुहावरे, लोकोक्ति, ये सब क्रम से आप एक एक तरह से करके लिखते रहो। उसके बाद अब देखो इनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, पेपर में ये क्वेश्चन आएंगे, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, मैक्सिमम इनको करना है। साथ में ये वाला भाग देखो, साहित्य और रचना से दो से तीन प्रश्न लास्ट टाइम पूछे गए थे, पर अभी 19 और 20 दिसंबर को जेल वार्डन का एग्जाम हुआ था और उसमें जो एजेंसी थी उस एजेंसी ने बच्चों को हिला दिया, व्याकरण नहीं पूछा, मैक्सिमम पार्ट पूछा उन्होंने साहित्य से, तो आप भी तैयार हो जाइए क्योंकि ये सब चीजें बहुत पहले से पूछी जाती है, बोर्ड को पता रहता है कि ये चीजें पता होंगी, बच्चा साहित्य पे ध्यान नहीं देता है, तो साहित्य को बहुत अच्छे से करना है। और राम जी की पाठशाला साहित्य को बहुत गहराई से करवा रही है, बहुत गहराई से यूट्यूब चैनल करवा रहा है, आपको अगर उसकी झलक देखनी हो तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद जो गद्यांश है, वाक्य क्रम स्थापन है, इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस सेट कोई भी उठा लो, जो प्रीवियस ईयर पेपर ही उठा लो, वहां पे जाके देखो और वहां से प्रैक्टिस करना शुरू करो। अगर आपको ज्यादा हिंदी में तकलीफ होती है तो न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो, एडिटोरियल वगैरह जो उसमें आते हैं उसको आप पढ़ना शुरू कर दो। अब देखो यहां पे, और इसके लिए आपको क्या काम करना है, इसके लिए आपको बुक्स में से पढ़ना है और धीरे धीरे ये सब चीजें मैं आपको पढ़ा दूंगा बिल्कुल आसान और सरल तरीके से। इसमें वर्णमाला, एक टॉपिक वर्णमाला और रह गया है, वर्णमाला से ज्यादा प्रश्न देखे नहीं गए थे, वर्णमाला, वर्णमाला से प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति अब भर्ती बोर्ड ने कुछ कम कर दी है, पर कहीं ना कहीं एक 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 या दो क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसमें दिखाई दिए हैं, तो आपको वर्णमाला पे भी ध्यान देना है। आप वर्णमाला की वीडियो भी देख सकते हैं, उसका भी मैं लिंक आपको इधर दे दूंगा आई बटन में, तो आप उसको देख सकते हैं। साथ में आपको बुक लिस्ट कौन सी फॉलो करनी है, मेरे विचार से आपको ये दोनों ही बुक अपने पास रखनी चाहिए क्योंकि दोनों बुक्स की अलग अलग खासियत है। एक तो आदित्य प्रकाशन की, मैं एडवर्टीजमेंट बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, केवल आपके भले के लिए बता रहा हूं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आपसे 2 स्टार, आप मुझे 2 स्टार ला के दिखाएं, मैं आपका इंटरव्यू लूंगा और आपकी जिंदगी उससे अच्छी हो जाएगी, मुझे अच्छा लगेगा उसमें। तो आदित्य पब्लिकेशन की एक पतली सी बुक आती है, व्हाइट बैकग्राउंड में ब्लैक लेटर से लिखा रहता है, आदित्य प्रकाशन की होती है, वस्तुनिष्ठ सामान्यंदी, उसका नाम वस्तुनिष्ठ है, ऑब्जेक्टिव, पर वो ऑब्जेक्टिव है नहीं, उसमें पहले टॉपिक दिया हुआ है, पूरा समझाया हुआ है, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है अलग अलग एग्जाम्स के उनमें से क्वेश्चन उठा के डाले गए हैं। और ल्यूसेंट आपको पता है काफी अच्छी बुक है, तो ल्यूसेंट में से, ल्यूसेंट आपको क्यों लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज इसमें अच्छी है, कुछ चीज इसमें अच्छी है, तो ल्यूसेंट की वोकैबुलरी बड़ी अच्छी है, ये तत्सम तद्भव, ये बड़ा विस्तृत इनका पूरी चर्चा उसमें की गई है। तो दोनों बुक आप रखिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। अगर और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में को बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, अगर अभी तक आप ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको करना मत भूलिए, क्योंकि मूल विधि, संविधान, जीएसजीके, यूपी,
यूपी जीके और हिंदी और हिंदी साहित्य, साथ में रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी बहुत सारे एग्जाम जो यूपी टेट वगैरह से रिलेटेड, यूपी टेट सी टेट ये एग्जाम तमाम एग्जाम है उनसे रिलेटेड भी वीडियोस धीरे धीरे चैनल पर अपलोड होने वाली हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पेड चार्जेस नहीं है। तो आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।